हेलो डियर स्टूडेंट, नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। स्पेशली इस चैनल पे आप लोग इंग्लिश की क्लास अटेंड करते थे, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट देखे थे। अब से क्लास 12 की मैथमेटिक्स स्टार्ट होगी इस चैनल पे। वहाँ पर मैं संजय सिंह आपको रेगुलर मैथ की क्लास पढ़ाऊँगा और कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल पर ले जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, मतलब ट्वेल्थ की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मैं एक बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। और तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की जो बेसिक थ्योरी है वो तो क्लास 11 से लिमिट से स्टार्ट होती है, पर कोई बात नहीं, हम इसी से समझा देंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। छोटा सा पहले क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमको इसको डिफरेंशिएशन करना है तो इसमें रूल ये होता है कि पहले ये पता होना चाहिए कि हमको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है। जैसे कोई बोल दे हम कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको लिखते हैं ऐसे dy वाई बाई डी एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो अपान में होगा। तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स। ठीक है, तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। अब ये बात आती है कि ये कहाँ से आया, तो इसका सिंपल सा एक रूल होता है। देखिए, ये जो x है ये हमारा वेरिएबल कहलाता है और जो इसका पावर में है वो कांस्टेंट कहलाता है। तो इसमें रूल होता है कि अगर वेरिएबल के पावर कोई कांस्टेंट है तो उसके पावर को एक घटा देते हैं और उसको आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कहने के ये है कि ये जो पावर है, ठीक है, इसका आगे मल्टीप्लाई करिए और इसमें से टू में से एक घटा दीजिए, तो क्या आएगा 2x। अब ये वाला कहाँ से आया, तो डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं लास्ट के उस फंक्शन को दिखाते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में किए हैं। तो dx बाई dx, जैसे मान लीजिए इस फंक्शन को हमको अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हुआ तो ऐसे करेंगे dy वाई बाई डी टी। ठीक है, dy वाई बाई डी टी इक्वल टू, तो रूल तो सेम है कि पावर का आगे मल्टीप्लाई होगा बट एक पावर घटेगा, तो 2-1 मतलब 1 बचेगा। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है हमको, t के रिस्पेक्ट में करना है, तो dx एक्स बाई डी टी इस तरीके से। जैसे मान लीजिए इसको अगर हमको करना हुआ विथ रिस्पेक्ट टू m, तो dy वाई बाई डी एम इक्वल टू, रूल तो सेम है 2x। ठीक है, लास्ट में किसके रिस्पेक्ट में dm, तो dx एक्स बाई डी एम। तो यही इसका बेसिक फंडा है कि हमको ये दिखाना ज़रूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो डिफरेंशिएशन काफ़ी आसान है। ट्वेल्थ वाले बच्चों को लगता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये तो आता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छे से क्वेश्चंस। जैसे कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, y इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। मान लीजिए ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको बोला है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर किसी के रिस्पेक्ट में अगर हमको डिफरेंशिएशन करना हुआ तो सिंपली कैसे करेंगे, dy वाई बाई एक्स के रिस्पेक्ट में, तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सिंपल सा। अच्छा हाँ, एक डिफरेंशिएशन का ये रूल है कि अगर कुछ फंक्शन प्लस में दिए हैं, जैसे ऐड हुआ है या फिर कुछ घटे हैं सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो हम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे इसका अलग कर सकते हैं, इसका अलग कर सकते हैं और इसका अलग कर सकते हैं, तो हम लोग अलग अलग करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रूल क्या है, पावर आगे मल्टीप्लाई होगा इंटू एक पावर घट जाएगा प्लस टू, इसका पावर कितना है 1, तो 1 आगे आएगा इंटू एक्स पावर 1-1 प्लस। अब एक यहाँ नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो इसका 0 हो जाएगा।
ये एक रूल है, इसको याद रखिएगा कि किसी भी कांस्टेंट नंबर या फिर कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस टू इंटू, देखिए एक्स के पावर कितना है, वन माइनस वन जीरो। अब यहाँ पर भी एक सीखने वाली चीज़ है कि किसी भी नंबर के पावर जीरो उसका वैल्यू हमेशा वन होता है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस टू केवल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर जैसे जिसके रिस्पेक्ट में किए हैं उसका लिखे क्यों नहीं, तो एक्चुअली हम लिखे हैं बट वो कट के वन आ जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करना हुआ तो डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये कट कर वन आ जाएगा, इसीलिए लिखे नहीं है। मान लीजिए अगर इसी फंक्शन सेम क्वेश्चन का अगर हमको डिफरेंशिएशन करना था विथ रिस्पेक्ट टू t, तो कैसे करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो अगर इसको हमको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो डी वाई बाई डी टी, जिसके रिस्पेक्ट में वो अपान में, इक्वल टू रूल सेम है, टू एक्स एक पावर घट जाएगा इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये नहीं भूलना, ये भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्लस टू इसका क्या करेंगे, पावर वन है तो वन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक्स पावर वन माइनस वन रूल सेम है बट किसके रिस्पेक्ट में करना वो दिखाना ज़रूरी है। तो डी एक्स बाई डी टी और कॉन्स्टेंट का जीरो होता ही है तो इसका जीरो हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस टू, अब यहाँ पर एक्स के पावर जीरो हो जाएगा तो उसका वैल्यू वन हो जाएगा, टू इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए इसका पूछा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फोर इंटू थ्री, यहाँ पर थ्री पावर है तो थ्री आगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर टू पावर था तो टू आगे मल्टीप्लाई किए, तो थ्री इंटू एक्स के पावर थ्री माइनस वन प्लस थ्री इंटू, यहाँ पर टू है तो टू एक्स टू माइनस वन, और यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। फिर वही बात, किसके रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसीलिए यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स नहीं लिखें क्योंकि उसका वैल्यू वन आता है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक पावर घट जाएगा, प्लस सिक्स एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए इसी का अगर डिफरेंशिएशन हमको टी के रिस्पेक्ट में करना हुआ तो इसको हटा देते हैं। इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करना हुआ तो वाई इक्वल टू फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी टी। अच्छा, यहाँ पर जब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वहाँ पर टी डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कितना, फोर इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, रूल तो सेम है बट किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी टी प्लस थ्री इंटू टू एक्स डी एक्स बाई डी टी, टू का तो जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी प्लस सिक्स एक्स डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल भी होता है, उसको कोसेंट रूल भी बोलते हैं। तो उससे पहले इसके कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले, जैसे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, तो उसको देख लेते हैं, फिर इसके रूल पे आते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में यही था,
तो स्टार्ट करते हैं इसके कुछ फॉर्मूले बोल सकते हैं। तो पहला तो जो रूल पढ़े हैं उसी को एक फॉर्मूले के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या है y इक्वल टू, या फिर y लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हम अपने से लिख दे रहे हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। तो x के पावर n, ठीक है, n क्या है, n एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक। तो x के पावर n क्या है, x वेरिएबल है, n एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 1 कुछ भी हो सकता है। तो इसका डिफरेंशिएशन अभी देखे हैं, y लिख ही लेते हैं, इसका क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, रूल क्या था, n आगे आता था इंटू n में से एक पावर घट जाता था, यह इसका रूल है, ठीक है। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स को एक ऐसे भी लिखते हैं y डैश, या फिर अगर मान लीजिए कोई फंक्शन के रूप में दिया है एफ एक्स, यहाँ पर लिख लेते हैं एफ एक्स दिया है, तो इसको एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये नोटेशन है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रूल पढ़े हैं, ये पहला रूल हो गया हमारा। दूसरा रूल हो गया वाई इक्वल टू ई पावर एक्स, अभी जितना भी डिफरेंशिएशन फार्मूला देख रहे हो केवल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देख रहे हैं, ठीक है। तो वाई इक्वल टू ई पावर एक्स का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, ठीक है, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है। तीसरा वाई इक्वल टू लॉग एक्स या फिर एल एन एक्स, ठीक है, लॉग एक्स और एल एन एक्स में एक अंतर बता देते हैं क्या होता है। जैसे कि लॉग एक्स अगर बेस 10 है या फिर अलग बेस है, ठीक है, तो इसको हम लोग लॉग बोलते हैं। यदि इसी लॉग को अगर एल एन बोलेंगे तो किसी भी नंबर का लॉग जिस नंबर के लेंगे उससे नहीं मतलब है, इस कौन सा इसका बेस है, किस बेस पे हम ले रहे हैं। तो अगर बेस ई होता है तो उसको हम लोग एल एन बोलते हैं, ठीक है। तो इस एल एन लिखने का मतलब है कि बेस ई है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का 1/x, ठीक है, लॉग एक्स का 1/x, यहाँ पर मॉड लगा देते हैं, लॉग मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड क्यों लगाए हैं, मॉड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर की जो भी क्वांटिटी होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है, मॉड लगाने का यही मतलब होता है। अब लॉग में मॉड क्यों लगाए, क्योंकि लॉग ये जो एक्स होती है ये पॉजिटिव होना ज़रूरी है, अगर लॉग के अंदर की क्वांटिटी अगर निगेटिव हो गई तो ये लॉग डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, ये लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए लॉग कहीं भी होता है इसके अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वहाँ पर हम लोग मॉड लगाते हैं। तो इसका ये डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं चौथा, अगर मान लीजिए एल एन की जगह वाई इक्वल टू, ठीक है, एल एन एक्स, एक्स है, ठीक है, बट अगर बेस ई न लेके अगर हम बेस ए ले तब क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है, इसमें हमको एक लॉग की प्रॉपर्टी, इसका गुण लगाना होगा। लॉग का गुण ये होता है, जैसे कि बता देते हैं, लॉग एक्स बेस बी है, ठीक है, अगर इसका बेस अगर हमको चेंज करना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स, ठीक है, हम कोई भी बेस ले सकते हैं, हमारा मन चाहे जो बेस, मान लीजिए हम बेस सी ले ले रहे हैं, ठीक है, अपान लॉग जो यहाँ पर बेस था, ठीक है, वो उस नंबर का लॉग लिया जाएगा, तो बी, ठीक है, बेस सी, ध्यान रहे कि बेस सेम लेना है, अगर इस प्रॉपर्टी को हमको अप्लाई करना है तो बेस सेम लेना है और जो पुराने वाले लॉग में बेस था वो उस नंबर का लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे, तो y इक्वल टू लॉग या फिर ln, ठीक है, x हम बेस e ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बेस c लिए थे, हम यहाँ पर e ले, आप कोई भी बेस ले सकते हैं, तो बेस e अपान log ये था बेस, अब यहाँ पर आ जाएगा बेस e, ठीक है। अब देखें ये जो है ये कुछ कांस्टेंट नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, ठीक है, तो ये कुछ नंबर होगा,
ये भी कांस्टेंट है, ई तो कांस्टेंट होता ही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अपान में एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम छुपा दें तो हमको क्या दिख रहा है, सिंपली यही फॉर्मूला दिख रहा है एल एन एक्स, ठीक है। तो एल एन एक्स का हमको डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, यहाँ पर इसका डी वाई बाई डी एक्स लिख लें, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स इंटू, ये कांस्टेंट नंबर से हमसे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको सिंपली ऐसे उतार देंगे ए बेस ई, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है। पांचवा देखते हैं, तो पांचवा वाई इक्वल टू ए पावर एक्स, ठीक है। ए पावर एक्स कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, ठीक है। इसमें और इसमें अंतर है, यहाँ पर वेरिएबल के पावर कांस्टेंट था, यहाँ पर कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो ए पावर एक्स का ए पावर एक्स ही रहेगा, बदले में एक इंटू में लॉग ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। लॉग ऑफ ए यहाँ पर आ जाएगा। देखा जाए तो y इक्वल टू ई पावर एक्स और y इक्वल टू ए पावर एक्स सेम है, ठीक है। कैसे सेम है, इसका डिफरेंशिएशन तो ये होता है, पर इसका डिफरेंशिएशन तो ये सेम नहीं है। हाँ, ये e भी एक कांस्टेंट है और यहाँ पर a भी एक कांस्टेंट है, बट e में a में एक सिंपल सा फ़र्क ये है कि जब यहाँ पर इंटू में हम लोग a किए हैं तो यहाँ पर भी लॉग में e आया है, बट लॉग a बेस e, ठीक है, लॉग ए बेस ई ही रहता है, यहाँ पर भी ई है, ठीक है। तो लॉग बेस ई एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग की, कि लॉग ए बेस ए कहने का मतलब है कि, या फिर कुछ ले लें, अगर जिस नंबर का हम लोग लॉग लिए हैं और उस वही बेस है तो उसका वैल्यू वन हो जाता है, ठीक है। किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं अगर वही सेम नंबर बेस में है तो उसकी वैल्यू वन हो जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है, सेम नंबर हो गया तो इसकी वैल्यू वन हो गई, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेम नंबर तो है नहीं, इसलिए हमको लिखना पड़ा, ठीक है। तो ये दोनों एक तरीके से सेम है, ठीक। अब ये पाँचवीं प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, और कोई नहीं, इतना ही होती है, ठीक है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं डिफरेंशिएशन की, फार्मूला आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए, अगर ये याद है तो फिर क्वेश्चन इस पर कुछ कर लेते हैं। Differentiate the following. पहला ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा। अच्छा, हमको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही अभी करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे हम लोग, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स हो गया, इंटू डी एक्स बाई डी एक्स लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू वन होती है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, प्लस, ठीक है, लॉग एक्स, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स। लेकिन यही पर स्टूडेंट गलती करते हैं
कि पहले हमको बेस पे ध्यान देना है कि इसका बेस है क्या। लॉग एक्स बेस ई का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ना कि बेस कोई भी नंबर किसी का भी बेस अगर कुछ भी हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होगा। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस चेंज फार्मूला से इसका बेस चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो लॉग एक्स, ठीक है, इसका हमको बेस ई चाहिए तो ई पर लाते हैं, तो ई अपान लॉग, अब ये वाला जो बेस था उसका लॉग लिया जाएगा, बेस ई हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम लोग देखे हैं, तो इधर कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको वाई लिख लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स का क्या होता है, ई पावर एक्स ही होता है, प्लस लॉग एक्स क्या होता है, 1/x इंटू लॉग 2। ठीक है, अब बेस ई लिखे चाहे ना लिखे, वो अंडर स्टूड है कि बेस ई है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा इसको भी बनाना होगा तो इसको बना लेते हैं, तो वाई इक्वल टू 4x/6 प्लस, ठीक है, लॉग एक्स हमको क्या चाहिए, बेस ई चाहिए, तो बेस ई अपान लॉग ए बेस ई प्लस ए पावर एक्स, इसको भी इधर करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x/5 प्लस लॉग एक्स क्या होता है, 1/x इंटू, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको हम लोग ऐसे उतार देते हैं, तो लॉग ए बेस ई। अब ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए पावर एक्स का ए पावर एक्स ही होता है, बदले में हमको क्या आता है, लॉग ए हमारा आ जाता है। ठीक है, इसके इंटू में आ जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये दो क्वेश्चन सॉल्व लिख दिए। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें एक फर्क ये है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, हमको सॉल्व करना है। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, टी के रिस्पेक्ट में, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 6 × 3 x² कैसे हुआ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और एक पर घटाते हैं। अब किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डी एक्स बाई डी टी आएगा, तो 2 ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए पावर एक्स ई होता है, बदले में अपान सॉरी इनटू में क्या आता है, लॉग ए आता है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी टी प्लस इसका क्या होगा, तो लॉग ए बेस 5। ठीक है, अगर हम लोग माने कि जो ए है अगर जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा देने का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब कि लॉग एक पॉजिटिव क्वांटिटी
और बेस भी 5 है, ठीक है। तो शायद आपको पता होगा कि अगर लॉग वेरिएबल नहीं है कोई, मान लीजिए ए की वैल्यू हम 5 या फिर 6 ले लिए, 5, ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसकी भी कोई एक वैल्यू होगी, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक वेरिएबल नहीं, जो भी बनेगा एक कांस्टेंट ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर क्या है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो इसका एक तरीके से डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका देने कोई मतलब नहीं निकला, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ठीक। अगर यहाँ पर ए की जगह अगर कोई वेरिएबल होता, ठीक है, तो क्या होता, इसका कुछ मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, लेकिन है नहीं, इसका मतलब ये 0 हो गया, ठीक है। तो इसको एक थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18x² डी एक्स बाई डी टी प्लस 2a पावर x इंटू लॉग ए इंटू में क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, बस ना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन ये और है, ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है। तो डी वाई बाई डी टी, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो अब यहाँ पर log x बेस 5 है, ठीक है, तो अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो इसको कन्वर्ट पहले करते हैं, तो कन्वर्ट करते हैं तो इसको y लिखते हैं, तो log, ठीक है, log x बेस e अपान log e बेस, सॉरी log कितना है, 5 बेस e, ठीक है, प्लस e पावर x को ऐसे रहने देते हैं, log 5 बेस 2, ठीक है, इसको इधर लाते हैं, तो अब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू log x बेस e, मतलब 1/x इंटू कितना आ जाएगा, log 5 बेस e इंटू कितना जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पर गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इसको सही करना होगा। पहले हमको ध्यान से क्वेश्चन पढ़कर ये समझना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में हमको पूछा है, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी हो गया प्लस 3 इंटू ई पावर एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस, हाँ अब इसको देखें तो यहाँ पर तो ठीक है दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि एक क्वांटिटी पॉजिटिव है, एक कोई नंबर होगा, ठीक है, 1, 2, 3 या फिर पॉइंट में होगा, जो भी एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो प्लस 0 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x log 5 बेस e इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 3 ई पावर एक्स डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना रहने देते हैं। स्टूडेंट अगर लेक्चर आपको समझ में आया है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, और हो सके तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।